नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं वोकेशनल स्टडीज़ में कार्यरत हूँ। आइए हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बारे में। आज का हमारा एजेंडा है किस प्रकार क्विक एक्सेस टूल बार काम करता है, किस प्रकार उसमें कुछ बटन्स ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल रिबन्स के बारे में, जिनमें मुख्यतया हैं होम रिबन, इंसर्ट और पेज लेआउट। हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी सुविधा है जिस पर हम अपने पसंद के कमांड्स या आइकन्स अथवा बटन्स को अपने अनुरूप शामिल कर सकते हैं या उसमें से हटा सकते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से संपन्न होती है, आइए देखते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें डिफ़ॉल्ट बटन के रूप में आपको सेव, अंडू और रीडू का बटन दिखाई देगा। अगर आप कुछ और बटन इस पर ऐड करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर पाएंगे, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें आप क्लिक कीजिए। आपको दिखाई दे रहा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। किसी भी बटन पर अगर आप राइट क्लिक करते हैं जो रिबन में अवेलेबल है, और राइट क्लिक करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, अर्थात ये ऑप्शन आपका क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, जो क्विक एक्सेस टूल बार में कोई बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं, अर्थात अपने अनुरूप कुछ बटन्स को और शामिल करना चाहते हैं, चित्र में दिखाई दे रहे स्थान पर जहाँ पर एरो निर्देशित कर रहा है उस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए। आपको मोर कमांड्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार की कोई स्क्रीन, आपके डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें से आप अपनी सहूलियत के अनुरूप बटन का चुनाव कर सकते हैं। जिन जिन ऑप्शंस को आप चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल किया जाए, उनको एक एक करके आप सेलेक्ट करें और ऐड बटन पर क्लिक करें। ऐड बटन को रेड सर्कल किया गया है ताकि आप उसको समझ पाएँ। तत्पश्चात आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। एक साथ एक से ज़्यादा बटन्स आपके क्विक एक्सेस टूल बार में शामिल हो सकते हैं। आइए बात करते हैं होम रिबन में हमारे पास क्या-क्या ग्रुप्स हैं और इन ग्रुप्स में क्या-क्या ऑप्शंस हम सीखेंगे। होम रिबन में हमारे पास 7 टैब ग्रुप हैं, जिनके नाम क्रमशः क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग हैं। क्लिपबोर्ड किन-किन ऑप्शंस को कंटेन करता है, उसमें क्या-क्या फंक्शंस हैं, एक छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार फॉन्ट टैब ग्रुप फॉन्ट से रिलेटेड चीज़ों को शामिल करता है, अर्थात फॉन्ट बदलना हो, फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना हो, फॉन्ट का स्टाइल हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर हो, फॉन्ट को ग्रो या श्रिंक करना हो, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अलाइनमेंट टैब ग्रुप में आप देखेंगे आप अपने टेक्स्ट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार के अलाइनमेंट वर्टिकल और 3 प्रकार के अलाइनमेंट जो है हॉरिजेंटल दिखाई दे रहे हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या एक्टिव सेल पर जो लिखा है उसके पश्चात आप अगर अलाइनमेंट में क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट उस तरीके से अलाइन हो सकता है। नंबर ऑप्शन पर, नंबर टैब ग्रुप पर आपको ये सुविधा रहती है कि आपके सेल पर या एक से ज़्यादा सेल पर जो डेटा है वो किस नंबर फॉर्मेट पे बिलोंग करता है, आप यहाँ से उसके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। साथ ही डेसिमल पॉइंट्स या डेसिमल प्लेसेस का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई संख्या 10 कंटेन करती है। स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और सेल स्टाइल है, सेल को आप अलग अलग प्री फॉर्मेटेड स्टाइल्स में शो कर सकते हैं। इसी प्रकार अपनी टेबल को भी, एक से ज़्यादा सेल के समूह को हम टेबल कह सकते हैं, और टेबल को भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ प्री टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। किस प्रकार सेल इंसर्ट डिलीट अथवा रो इंसर्ट डिलीट अथवा कॉलम इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, वो चित्र में दिखाई दे रहा है। इंसर्ट से आप सेल रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार डिलीट कर सकते हैं। एडिटिंग ऑप्शन पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कुछ फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने डेटा को जो सेल, जो डिफरेंट सेल पर रखा हुआ है या सीट पर रखा हुआ है, उसको सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस जिसको हम कहते हैं। और ये कुछ प्रदत्त सेवाएं हैं जो एडिटिंग टैब ग्रुप पर आपको
अवेलेबल होंगी, और ये सारे हम बात कर रहे थे जो होम रिबन पर अवेलेबल फंक्शंस हैं। आइए बात करते हैं जो इंसर्ट रिबन है उस पर प्रदत्त सेवाएं या कमांड्स क्या क्या हैं जिनका हम अपने एक्सेल पर कार्य के दौरान एक्सेल पर कार्य करने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे हम मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट्स अर्थात शेप्स, इमेजेस और चार्ट्स एवं हेडर फुटर, वर्ड आर्ट तथा सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। टेबल टैब ग्रुप है जिस पर आप पाइवट टेबल और एक सामान्य टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइवट टेबल एक विशेष प्रकार की टेबल है जिस पर आप एक डिफरेंट रिलेशनशिप डेटा के बीच में देखने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। चार्ट्स एक्सेल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। जब भी हम एक ह्यूज डेटा को देखना चाह रहे होते हैं उसको डायग्राम के माध्यम से कैसे प्रेजेंट किया जा सके इसके लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। चित्र में आपको अलग अलग प्रकार के चार्ट दिखाई दे रहे हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस का भी हम इस्तेमाल करते हैं सच एज क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, और अगर आप कोई और पिक्चर एक्सटर्नल कोई इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने एक्सेल में वो आप ला सकते हैं एक्स पिक्चर बटन पर क्लिक करके। इसी प्रकार शेप्स अलग अलग तरह के हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी चॉइस के अनुसार अलग अलग तरह के शेप को ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आप कोई पेज पर हाइपरलिंक, किसी सेल पर हाइपरलिंक देना चाह रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप हाइपरलिंक बटन से कर सकते हैं। इस तरह का उसका आइकन आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं अथवा हेडर और फुटर अपने शीट पर देना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए चित्र में अंकित आइकन्स को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं जो आपको इंसर्ट रिबन पर मिलेंगे। कभी कार्य करने के दौरान आपको कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आपको कीबोर्ड पर सामान्यतया नहीं मिलते। अगर आप कुछ ऐसे सिंबल की तलाश में हैं जो आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है वो आप सिंबल बटन पर क्लिक करके फाइंड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे इंसर्ट रिबन में अवेलेबल कुछ ऑप्शंस के बारे में जो हमारे कार्य के दौरान हमारे काम को आसान बनाने का कार्य करते हैं। हम बात करते हैं पेज लेआउट मेन्यू के बारे में। पेज लेआउट मेन्यू किन किन सब ग्रुप को कंटेन करके रखता है उसमें एक है थीम्स। अगर आप अपनी एक्सेल पर थीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं चाहे वो कलर से रिलेटेड हो या फॉन्ट से रिलेटेड हो, रेडीमेड थीम आप यूज़ करने के लिए थीम बटन पर क्लिक कर सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं कौन सी थीम आप चाह रहे हैं। इसी प्रकार पेज सेटअप अगर आप चाह रहे हैं अपने जब आपका पेज प्रिंट हो उसमें किस तरह का मार्जिन रहे, उस पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रहे या लैंडस्केप रहे, पेज का साइज़ क्या हो, क्या प्रिंट एरिया हो, किस समय के बाद उसमें पेज ब्रेक किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों का चुनाव आप पेज सेटअप मेन्यू से कर सकते हैं। स्केल टू फिट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक्सेल से कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको 100% स्केल पर प्रिंट किया जाए तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा पर चाहते हैं तो भी आप यहां से चुनाव कर सकते हैं, इसको स्केल टू फिट को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। हम बात करते हैं किस प्रकार एक्सेल में जो ग्रिड लाइंस हैं या हेडर्स हैं उनको हाइड या शो किया जा सकता है। चित्र में अंकित ग्रिड लाइन हेडिंग्स के बारे में आपको दिखाई दे रहा है, आप उनको अपने अनुरूप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपके वर्कशीट पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनके अलाइनमेंट्स भी आप यहां से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मेन्यूज़ के बारे में, कुछ रिबन्स के बारे में जिनमें हमने चर्चा करी होम रिबन, इंसर्ट रिबन और पेज लेआउट रिबन के बारे में, उनमें प्रदत्त कुछ कमांड्स के बारे में। उम्मीद है कि ये सब जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी और इसी कड़ी में हम आज की इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।